एक तरफ जहां रामनगरी समेत पूरा देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने के उत्साह में राममय है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए भेजे गए निमंत्रण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने की खबर इस मुद्दे से उठी राजनीतिक बवाल की चिंगारी को भड़काने के लिए आग में घी जैसा काम कर रही है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन जब निमंत्रण स्वीकार करने के बारे में अखिलेश से पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जिन्हें हम जानते नहीं हैं, उनसे कोई निमंत्रण नहीं लेते हैं। वही अखिलेश के इस बयान के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में हमारे अयोध्या संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने अयोध्या वासियों से सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकराने पर उनकी राय जानी। आइए सुनते हैं क्या कहना है रामनगरी के वासियों का सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस फैसले पर। अब आना तो ना आना ये तो उनके ऊपर निर्भर करता, अगर आना होता तो जो है निमंत्रण पर ठुकराते। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जहाँ विश्व की जो है लोकप्रिय अयोध्या नगरी, जहाँ देश के कोने कोने से लोग एक से एक लोग आ रहे हैं, धर्म गुरुओं से लेकर और तमाम ऐसे आस्था के प्रतीक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके जाने जाते हैं, जिनके पदचिन्हों पर लोग चल के अपने आचरण को सुधारते हैं, और ऐसे जो है आस्था पे उनको इस बात को नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा, जो हमको मीडिया में पता चला, जो सुनाई दिया, जो दिखाई दिया, ऐसी उनको बात नहीं करना चाहिए था। राजनीतिक लाभ के चक्कर में ये कृत्य कर रहे हैं और जनता देख रही है, जिसका नतीजा जो है आपके सामने है। पहले सरकार गई, फिर सरकार जाने के साथ साथ वोट में गिरावट आ गई, जितनी सीटें थी उससे कमतर हो गई। आने वाले समय में मेरे ख्याल से वो केवल स्वयं ही बचे रहे विधायक के रूप में, वही बहुत पर्याप्त होगा। ऐसा है, कुछ लोगों के साथ समस्या ये है कि मन मन भावें मूड हिलावें, एक कहावत है हम लोगों की, जिसका गूढ़ अर्थ ये है कि मन में इच्छा तो है लेकिन सामने वाले को खुश रखने के चक्कर में अपना नुकसान कराने का कार्य कर रहे हैं। एक तरफ डिम्पल जी चाह रही हैं, अखिलेश जी भी मन से चाह रहे होंगे राजनीति हो, उनका वोट बैंक खिसक न जाए कहीं। भाई सनातन वाले तो शायद नहीं मानते उनको, तभी तो ऐसा उन्होंने किया। तो भाई ये तो उनकी अपना विषय है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वह हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। ऐसा है, उनको जो है अब वो आत्मग्लानी में है, क्योंकि उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे निहत्ते कार सेवकों पर किस तरीके से गोलीबारी करवाई थी, किस तरीके से उनकी हत्या करी थी, तो वो खुद ही आने लायक है ही नहीं, वो अपना मुँह छुपा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने राम श्री राम मंदिर बनने का जो निमंत्रण पत्र गया था उसको ठुकराया, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं, और जो किसी राम के लायक नहीं वो किसी लायक नहीं है। इनकी मानसिकता बहुत ही तुच्छ है, ये हो या इनकी पत्नी जिन्होंने ये कहा कि चिराग जलाना हो तो देसी घी भाजपा को भिजवाना पड़े। अरे भाई, तुमको चाहिए तुम्हारे घर हम नदियाँ बहा दें घी की। और हर राम भक्त वो इतना सक्षम है कि श्री राम के लिए एक दिन क्या है, पूरा महीना, सवा महीना, सवा साल घी का दिया जलाएगा, तुम क्या हो। तुम्हारे घर अगर नहीं घी बनता है तो हमसे कहो, हम भिजवाएंगे तुम्हारे घर। तो देखा आपने किस तरह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने को लेकर जनता भी इसे अखिलेश यादव द्वारा अपना वोट बैंक बचाने के लिए की जा रही रणनीति का हिस्सा मान रही है। साथ ही इसे सपा मुखिया के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरह समझा जा रहा है। बहरहाल अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही राम की नगरी में रामोत्सव शुरू हो जाएगा। वहीं देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासत की पिच तैयार की जाने लगी है। ऐसे में अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना उनको कितना फायदा पहुंचाता है और कितना नुकसान। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।